आफ्टरनून, दोपहर का टाइम है, लंच का टाइम हो रहा है और मैं बनाने जा रही थी ग्रीन वेज पुलाव। सोचा आप लोगों के साथ ये रेसिपी शेयर करूं, ये मैं कैसे बनाती हूं और आप लोग इसे बनाइएगा और फिर मुझे बताइएगा कमेंट करके कि ये आप लोगों को रेसिपी कैसी लगी। ओके, थैंक यू। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बनाना। ओके, चलिए हम देखते हैं वेज पुलाव बनाने के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है, किस चीज़ सामान की ज़रूरत है। चलिए मैं बताती हूँ। ये मैंने तेज पत्ता लिया है, ये जीरा और ये धनिए की चटनी है। इसमें मैंने 3-4 काली मिर्च यूज़ करी हैं, एक दालचीनी ली है, 3-4 लौंग लिए हैं और एक हरी मिर्च और हल्का सा नमक डालकर और आधा प्याज काट कर ये मैंने चटनी बनाई है, ग्रेवी जो हमें चावल के लिए पुलाव में ऊपर से डालने के लिए चाहिए। और ये प्याज है, एक प्याज लिया है कटा हुआ, थोड़ी सी मैंने ये बीन्स ली है कटी हुई, बारीक कटी हुई, ये हरा मटर लिया है मैंने थोड़ा पीन डालने के लिए इसमें, ये थोड़े से लौंग है जो हमें फ्राई करने इसमें पुलाव में डालने हैं, ये गाजर है, कैरेट जो बारीक कटी हुई है, ये शिमला मिर्च है जो बारीक कटी हुई है और ये अदरक लहसुन और हरी मिर्च की पेस्ट है जो हमें पुलाव के लिए चाहिए। और ये टोमेटो सॉस है, ये ऑप्शनल है, आप इसकी जगह चाहो तो आप टमाटो भी ओनली यूज़ कर सकते हो, लेकिन मुझे इसका टमाटो सॉस का पुलाव में फ्लेवर अच्छा लगता है तो इसलिए मैं इसे यूज़ करती हूँ। ये टमाटो सॉस है और ये हमारे बॉईल किए हुए आधा ग्लास राइस है। ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं मैं 3-4 लोग आराम से इसमें खा सकते हैं ये उबले हुए चावल। और हमें थोड़ा सजेन आने के लिए घी, क्योंकि मैं ऑयल कम यूज़ करती हूँ, घी यूज़ ज़्यादा करती हूँ, तो मैं आप चाहे आप इसमें ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं रिफाइंड, मैं रिफाइंड बिल्कुल यूज़ नहीं करती, या तो मैं घी यूज़ करती हूँ या सरसों का तेल, इन दोनों में से एक चीज़ यूज़ करती हूँ, तो ये इसलिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने कढ़ाई रखी, गरम किया, इसमें मैंने 2 चम्मच बड़े घी डाला है, इसमें 2 चम्मच घी काफ़ी इनफ है, काफ़ी है। उसमें मैंने तेज पत्ता डाल दिया है, देखिए अब वो गर्म हो गया। अब इसके बाद हम इसमें जीरा डालेंगे, इसको अच्छे से हम भून लेंगे। जब ये जीरा फ्राई हो जाए, भून जाए, उसके बाद हम इसमें ये काजू डालेंगे, इनको फ्राई करेंगे इसमें। आप ये राइस बना के देखिएगा, आपको बहुत टेस्टी लगेंगे, बहुत और टेस्टी लगेंगे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट ज़रूर दीजिएगा कि आपको कैसे लगे, कैसा टेस्ट लगा इनका। ये देखिए मेरे काजू फ्राई हो चुके हैं, अब इसमें हम ये कटा हुआ प्याज जो बारीक बारीक मैंने काट रखा है ये डालेंगे। अब इसको अच्छे से हम भून लेंगे। अब हम इसमें टमाटो सॉस डालेंगे, आप चाहो तो खाली टमाटर भी यूज़ कर सकते हो, तो कुछ नहीं है। इसके बाद इसमें हमें ये मटर डाल देंगे, लग रहा है। इसके बाद ये हम कैरेट जो बारीक बारीक काट रखी है इसको ऐड कर लेंगे। ये थोड़ी सी इसको 1 सेकंड के लिए इसको पकाएंगे,
इसमें ये हमारी जो बीन्स हैं कटी हुई, ये इसमें डाल देंगे। समर में पुलाव खाओ तो अच्छा लगता है, बढ़िया लगता है खाने में, टेस्टी आता है, मज़ा आता है खाने में। आप बनाइएगा ज़रूर। और इसको ऐसे ही, उसके बाद इसमें हम ये शिमला मिर्च ऐड कर दिया हमने, इसको कर दिया। और हमें कुछ नहीं डालना, खाली इसमें साल्ट नमक डालना है। आप नमक अपने स्वाद अनुसार ले सकते हैं, मैंने एक चम्मच नमक लिया है, वो आप जितना आप ले सकते, आपका जितना आप स्वाद अनुसार अपने आप यूज कर सकते हैं। अब हम इसे 5 मिनट के लिए बनने देंगे। ये देखिए अब हमारी सब्जी तैयार हो गई है। अब हम इसमें पहले ये राइस जो बॉईल कर रखे हैं, उबले हुए चावल हैं जो, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। आप इनको मिला लीजिए। ये देखिए पूरे मिक्स हो गए हैं। इसके बाद हमने जो चटनी बना रखी थी वो इसमें ऐड कर देंगे। याद रखिए वो सारी डाल देनी है जितनी आपने बनाई है, वो सारी इसमें ऐड कर देंगे। उसके बाद फिर इन्हें मिक्स कर लीजिए चावलों को, राइस को अच्छे से, पुलाव को मिक्स कर लीजिए। क्या अच्छी अच्छी खुशबू आ रही है मैं आपको बता नहीं सकती, तो बहुत अच्छी इसकी खुशबू आ रही है पुलाव की। ये हमारे पुलाव तैयार हैं। अब इसे हम 1-2 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। हमारे राइस तैयार हैं, हम गैस ऑफ कर देते हैं। चलिए अब हम इसे सर्व करते हैं। ये देखिए ग्रीन ग्रीन पुलाव तैयार। ये धनिया, ऊपर से धनिया पत्ती डाली है, और ये देखिए कैसा लग रहा है, जितनी अच्छी इसकी भीनी भीनी खुशबू आ रही है, खाने में भी ये उतना ही अच्छा लगता है। आप और ज़रूर ट्राई करिएगा, और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और कमेंट करके प्लीज़ मुझे बताइएगा ये पुलाव कैसा लगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।